أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ لیتا ہوں اللہ کی میں شیطان مردو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں اب یہ ٹھائرائڈ کی بیماری کیا ہے ٹھائرائڈ سارے بیماریوں کا بادشاہ ہے اگر ٹھائرائڈ کو ختم نہیں کریں گے तो नहीं तो बारीक हो को हार्ट अटैक आता है नहीं तो मोटे हो ले जाको हार्ट अटैक आता है। थायराइड ख़त्म होना तो मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा अमल कर लिए 40 दिन में आपका थायराइड क्यों रहा था 40 दिन सफ़ेद नमक खाने का छोड़ा लो। नमक किच नहीं खाए तो अच्छा, अगर नहीं खाने नहीं हो रहा है तो काला नमक थोड़ा लेकर इस्तेमाल करो, सफ़ेद नमक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हराम कर लेना सफ़ेद नमक हमेशा के वास्ते, तुम्हारे घर से निकाल को फेंक डालना हमेशा तल्लाख। काला नमक इस्तेमाल करो खाने में साले में हर चीज़ में, और सुबह को मूली का जूस पीना, आधे घंटे के बाद अनार का जूस पीना, और आधे घंटे के बाद पाइनएप्पल का जूस पीना, फिर आधे घंटे के बाद कोथिमीर तुलसी का पत्ता डाल को जूस पीना 40 दिन। इंग्लिश टैबलेट खाना 40 दिन के बाद डॉक्टर का कंजक्ट टेस्ट कराओ, नॉर्मल रहता है थायराइड, डॉक्टर को पूछ को गोलियां छुड़ा लो। ये रहा थायराइड का मसला। और काफ़ी भूल को भी नहीं पीना, चाय काफ़ी बिल्कुल ख़त्म, जी हाँ नहीं पीना, खाली धनिया आधा के जी धनिया, पौ के जी मेथी भून के पाउडर बना लो, एक चम्मच डालो दूध में, दूध पियो, हमेशा सेहतमंद रहती। यह रहा थायराइड का। अब रहा इसका फाइल्स का, शाम को सोने के टेम्पो दो चमचे अरंडी का तेल गर्म पानी में या दूध में हल्को पी लो, और एक दिन नारियल का तेल, एक दिन जैतून का तेल, एक दिन कलौंजी का तेल, और सुबह को उठो एक नींबू, बड़ा रहा तो आधा, छोटा रहा तो एक नींबू एक गिलास में निचोड़ लो रस, कच्चा दूध डाल को फौरन पी लो, 7 दिन पियो, 7 दिन पी को 2 दिन देखो कम हो जा करता है, नहीं हुआ तो फिर 7 दिन, नहीं हुआ तो फिर 7 दिन, या कच्चा दूध रंधे नहीं तो गर्म करको ठंडा कर ले को, वो रस डाले के नहीं कि फौरन पीना, नींबू का फूटने से पहले पीना, इंशाल्लाह खत्म, बीमारी ख़त्म हो जाती 100% ख़त्म होती है। अगर नहीं हुई बाई चांस, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली चुलमुल पत्ता, चुलमुल पत्ता यानी शर्मिला पत्ता बोलती, छीते ही मुझे जाता है, नजालू भी बोलती, लाजवंती भी बोलती उसे, वो ज़मीन के ऊपर फैलता है, वो ले को कूट को उसका रस निकालो, एक एक गिलास रस खाली पेट में पी लो, हाँ 3 टाइम पियो अच्छा हो जाता है, नहीं हुआ तो फिर टाइम, फिर 3 टाइम, 3 बार को अच्छा हो जाता है। और गोश्त मच्छी अंडा 1 महीना नहीं खाना, महीना क्या 40 दिन, 1-2 महीने खाओ ना कंप्लीट क्यों रहा है। अच्छा इसमें भी नहीं हुआ, 100% होता है, हजारों आदमी को हुआ है, झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हजारों आदमी का अच्छा हुआ है। अच्छा अगर नहीं हुआ तो डरना नहीं, खाली तिल 50 ग्राम तिल कच्चे दूध में मार को 3 दिन पी जाओ, अच्छा हो जाता है। उसमें भी अच्छा नहीं हुआ, ये क्या है सर, फाइल्स को उसमें भी अच्छा नहीं हुआ, सपोटा कच्चा सपोटा कच्चे दूध में मार को 3 दिन पी जाओ, अच्छा हो जाता है। ये पूरे नुस्खे की बता रहा हूँ, तो दुनिया में बहुत परेशान है लोग, ऑपरेशन अगर को कितने की मर गई, ऑपरेशन करे बाद उनका जीना मुश्किल हो गया, कुछ हर दिन रोज दिन वो तकलीफ होते, बहुत तकलीफ होती हो। अच्छा उसमें भी अच्छा नहीं हुआ, नाक डाउन बोल कोई कि लंबे लंबे काड़ियाँ आती वो बाड़ा में रखती हूँ, सेंट के काड़ियाँ लंबे लंबे उसमें चौड़े चौड़े देते पत्ते, उसे नाक डाउन बोलती, वो बाड़ा में सब लगाती हूँ, नहीं वो नहीं, वो खाली बाड़ा में रखती है, ये तथा काड़ियाँ रहती लाइन से पत्ते रहती है उसके,
लॉकडाउन के मैं दिखाता हूँ यहाँ बाड़ा में हर जगह रहती हूँ, खाली यूट्यूब पे मार को बोलो लॉकडाउन दिखाओ का ना दिखाता यूट्यूब में। वो तीन पत्ते तीन काले मिर्चा रखो खाना तीन दिन, तीन काले मिर्चा रखो पत्ते में तीन दिन खाको पानी पीना एक एक गिलास पानी, तीन दिन में अच्छा होता है। तीन दिन में अच्छा नहीं हुआ तो अब एक तीन दिन नहीं हुआ तो अब एक तीन दिन, तीन बार को अच्छा होता है। ये सब की बता रहा हूँ तुम्हें, इसे ये सिंपल बीमारी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें डर को बीमारी को बढ़ा लेते। ये हुआ अच्छा मंथली नहीं हो रहा है तो मंथली का भाई को बच्चा को बहुत तकलीफ होती है, किसी को याद हो जाता है किसी को होता है नहीं, पेट में बहुत दर्द होता है भाई को बच्चा को, हट चमड़ा हो जाती है भाई को बच्चे। अब उसके वास्ते लंबा कद्दू 50 ग्राम, हरिया कद्दू और दो गेंद के फूल, गेंदे के फूल, चंडू फूल, पीछे का ऐसा काट को फेंकना सामने का ऐसा डालना, और एक तीन पान खाने के और थोड़ी कोथिमीर पुदीना करिया पत्ता डालना और आधा नींबू डालना, एक थोड़ी मिश्री डालना, मिश्री डाल को जूस बनाना, जूस बना को एक एक गिलास पीते रहना। हाँ मंथली का बिल्कुल महीने महीने करेक्ट होता है, पेट के शायद सारी शिकायतें चले आती है नहीं। सत्यानाशी, अच्छा जी अच्छा जी, फिर बात डालेंगे। यह है सत्यानाशी, यह सत्यानाशी एक ऐसा झाड़ है इसे पीले पीले फूल भी आते हैं। क्या बोलते हैं आग का झाड़ नहीं, इसे पीला धतूरा गति, पीला धतूरा गति सत्यानाशी भी बोलते हैं। सत्यानाशी पीला धतूरा यानी इसकी खूबी क्या कर दो, बीमारी क्या पहचानने वाला नहीं, डॉक्टर परेशान ही, इंसान हट चमड़ा हो गए, बोल रहा हूँ हर बीमारी को, ये हर बीमारी दफा कर दी, इसका नाम ही सत्यानाशी, यानी हर बीमारी को सत्यानाश करने की जड़ी है। इसका खाली कषाया बना को काढ़ा बना को पीते रहना, बात समझ रही, हर तरह की बीमारी जाती है। इसमें भी काले काले बीज जाते, हदीस में क्या है काले बीज को लाजिम करो सिवाय मौत की हर बीमारी को शफा है, हदीस है कलौंजी का है सो, मगर ये भी कलौंजी के सर के चाहते बीज अंदर काले बीज है नहीं। अगर अरब में रसूलुल्लाह सल्लम इंडिया में रहते तो इसे भी हर बीमारी की दवा बोल देते। यह हुआ पीला फूल आता है, पीला फूल आता है और बारीक बारीक काले दाने आते हैं अंदर। जी जी ये हुआ कि, और दूसरा एक पाबंदी बोल दूँ याद रख लियो, ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ देना पीना नहीं, पानी गर्म कर कर कुछ पीना, जैसे चाय पी सकते पानी गर्म करो पीना, हाँ पी सकते मगर थोड़ा गर्म पिए तो अच्छा। और दूसरा रात को सोने के टाइम पर 2 चमचे अरंडी का तेल, 1 दिन खोपरे का तेल, 1 दिन जैतून का तेल गर्म पानी में या दूध में डाल को पीने की आदत डाली हमेशा घर में, पूरे घर में पूरे एक लाला बच्चा को 1 चमचा, बड़े को 2-2 चमचे, क्योंकि तो मशीन में तेल डाले तो बियरिंग अच्छे रहते सो, अल्लाह ये बनाया सो तेल हमारी मशीन के वास्ते, बात समझ रहे हैं। अच्छा सोने के टाइम पर 1 चमचा मेथी पानी में डाल को रखो 1 गिलास पानी में, सुबह को उठे कि नहीं कि सबसे पहले सोने के टम्बो 2 लौंग 1 इलायची चाप को खा लियो, घर में बड़े सब भी बच्चा को 1 खिलाओ, गर्म पानी पिलाओ, और सुबह को उठे कि नहीं कि 4 काले मिर्चा चाप को खा लेना, 4 काले मिर्चा चाप को खा लेना, गर्म पानी पी लेना एक एक घुट बच्चा को 1-1 2-2 काली मिर्ची खिलाओ। अच्छा नाश्ते में 1-4 लहसुन के कलियां चाप को खा लेना, इडलियां के साथ चीलियां के साथ खिचड़ी पलो क्या खाती उसके साथ 3-3 4-4 कलियां चाप को खा लो, बच्चों को 1-1 चाप को खिला लो, की कर तो
खून गाढ़ा हुआ तो छे बीमारियां, और खून और घट्टो जाको घंटिया हुआ तो कैंसर शुरू होता है। अब मैं जितने बातें बताया उसे इख्तियार कर लिया तो तुम्हारा खून हमेशा पतला रहता है और पाक रहता है, बीमारियां पूरी दफा हो जाती है, इसे याद रख लियो। और दूसरा जो है, फ्रिज में पका को रखे सो चीज़, फिर उठा को गर्म नहीं करना, चाहे खाना सालना गोश्त मच्छी अंडा कुछ भी हो, एक बार पका को रख डालती हैं फिर उठा को गर्म नहीं करना, ठंडा खा लेना। बात समझ नहीं, गर्म करे तो कैंसर, खून गाढ़ा होना शुरू होता है, खून घंटा होना शुरू होता है, किसी हालत से गर्म नहीं करना। कच्चे चीज़ा रखो, उठा के पका के खो, परवानी पकाए सो चीज़ फिर गर्म नहीं करना। यह हुआ कि अच्छा जी। और दूसरा, शक्कर को बिल्कुल तुम्हारे घर से हराम कर डालना, क्योंकि तो शक्कर में छे आज थायराइड आ रहा है सो, शुगर बढ़ रहा है सो, हर तरह की बीमारी आ रही है सो। शक्कर के बजाय गुड़ भी कोसा, लाल या काला, सफ़ेद गुड़ नहीं, कि सफ़ेद गुड़ में निरमा और वाशिंग पाउडर डालती उजला होने उजला, जल्दी मर्क हो जाती। उसके वास्ते काला गुड़ या लाल गुड़, ये तरीक़ा तुम्हें अपना लियो। और दूसरा, भूख लगी तो खिचड़ी पलव रोटी खाना, हिट क्या भी जो खाती वो, भूख लग पा चाहत भी तो खाना, भूख नहीं है चाहत नहीं है घर में सब खा रही खाने दियो, तुम्हें तो पपई की, अनार की, हैपल की, अंगूर की, मौस की खा ले, कुछ हो जाओ आराम से, भूख नहीं तो खाना खाओ, खाना भूख लगी तो खाना, चाहत भी तो खाना, और भूख रहने के अंदर ही हाथ धो लेना। अब भी एक रोटी खाना है, खाना खाने का अरमान रहना, हाथ धो लेना, पेट भर गए, हवस के मारे खा रही, आस के मारे खा रही, दूसरे खा रही मुल्कों में खा रही या दूसरे जुल्म कर रही, वो नहीं खाना, आखिरने वाला खा लियो, आखिरने वाला कहती आखिरने वाले में बरकत है, कहती आखिरने वाले में बरकत ना हुए मुसीबत है सो, कि तो वो आखिरी शुआत है, वो खा को हॉस्पिटल जाती, हॉस्पिटल से खबर को जाती। फिर अभी भूख रहना हाथ धो लेना, अभी खाने की चाहत रहना हाथ धो लेना, ये बैलेंस को पकड़ लियो, तुम्हारे पूरे बीमारियां दफा हो जाती, फिर हंसते खेलते जीती, तुम्हारे बच्चे भी ये सीख लेते और बच्चे तुम्हारे दुआएं देते रहते, हमारे माँ बाप अच्छा तरीका हमने सिखा को गए बोलो। और खाना खाए कि नहीं, सो जाना, खाना खा को एक आधा घंटा फिरना, बच्चा को भी फिराना, खाना खाए बात एक आधा घंटा फिर सुलाना सो। बहुत से लोग नींद में खिलाते रहती बच्चा को, नींद में खिलाते रहती, हाँ बिल्कुल गलत बात हो, बात समझ रहे हैं। अब ये तरीके को इख्तियार कर लियो इंशाल्लाह सारे बीमारियों से बच जाती। अच्छा जी, उसे क्या करो, तुम्हें ये सना का पत्ता ले लियो, सना का पत्ता पंसारी क्या मिलता है, सना का पत्ता पंसारी क्या मिलता है, उसे सोना मुखी गति, और ज़रा लौंग ले लियो, ज़रा लौंग सना का पत्ता और थोड़ा विक्स की एक बाटल डाल को अच्छा भपकारा लियो, ज़रा काफ़ी का आटा डालो, काफ़ी का आटा डाल को अच्छा भपकारा लेना, एक ब्रेस्टेट मूछ ले को, मुँह खोल को मुँह से नाक से खींचना, अच्छा पूरा अंदर का निकल जाता है, हफ्ते में एक बार दो बार करो, हमेशा फूल के तरीके रहती। ये सब क्या है तो ये घर का इलाज है, ये घर का इलाज कर लिया तो डॉक्टर से हकीमा से सब बच को तुम्हारी कमाई तुम्हें खाले करती। अंछा में अच्छा जी, अंछा के वास्ते उजली प्याज ले लियो, उजली प्याज नींबू अदरक उसका रस निकाल लियो, नींबू अदरक उजली प्याज उसका रस निकाल लेगो, वो कितना रस निकालती उतना शहद मिला लो, शहद मिला को अंखिया में डालते रहो, अंखिया की रोशनी बढ़ जाती है इंशाल्लाह। और अंखिया में पर्दा है, अंखिया में पर्दा है या फुल्ले ही अंखिया में अपन मार्गा बोलते हैं, उसे कन्नड़ा में क्या बोलते हैं,
उत्तराणी बोलती, चिड़चिड़ाटा बोलती, वो टाउजर को सुबह लगता है क्यों लगे सर का कांटे सुबह है ना, लंबे कांटे रहते हैं, पैंट सुबह लग जाती हूँ, उसका पत्ता दे दो वहाँ बाहर पत्ता है दिखाती। अपन मार्का भी बोलती, दात उसे दातुन भी बोलती, उसका नाम दातुन भी है। उसका पत्ता ले को रस निकाल को आंख्या में चार चार खतरे डालना, बगैर ऑपरेशन के पर्दा कट जाता वो याद रख लिया।